राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में सभी मवेशियों, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर को शामिल किया गया है। आज हम आपको ब्रुसेला एवं FMD के नियंत्रण के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन के भंडारण और शिपमेंट हेतु मानक संचालन प्रक्रिया SOP के बारे में बताएंगे। मुहपका, खुरपका एवं ब्रुसेलोसिस वैक्सीन के भंडारण के बारे में सबसे पहले जानते हैं। वैक्सीन को रेफ्रिजरेटर में केवल 2 से 8 डिग्री के बीच संग्रहित किया जाना चाहिए। इसको हमेशा बंद रखना चाहिए और चाबियों को सुरक्षित स्थान पर रखें या किसी जिम्मेदार व्यक्ति को दें, तथा इसके सॉकेट के बगल में डू नॉट अनप्लग या स्विच ऑफ का चिन्ह प्रदर्शित करें। इसे नियमित रूप से डीफ्रॉस्ट करें यदि फ्रॉस्ट फ्री नहीं है, लेकिन केवल तभी जब ठंडा कमरा कोल्ड स्टोरेज खाली हो। सुनिश्चित करें कि ठंडा कमरा, कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटर की मरम्मत वार्षिक रखरखाव अनुबंध के तहत हो। वायु परिसंचरण के लिए पर्याप्त स्थान सुनिश्चित करें। टीकों के साथ भोजन, पेय या नमूने आदि का भंडारण न करें। बहुत जरूरी होने पर ही रेफ्रिजरेटर खोलें। हम वैक्सीन को कैसे भेजें, इसको भी समझना पड़ेगा। निर्माता के वैक्सीन की प्राप्ति या जारी करने का उचित दस्तावेजीकरण करें। परिवहन के दौरान पर्याप्त कोल्ड चेन का रखरखाव सुनिश्चित करें। टीके के सुरक्षित शिपमेंट या अस्थायी भंडारण के लिए उपयुक्त पैकिंग सामग्री, कूल बॉक्स, आइस पैक के साथ थर्माकूल बॉक्स का उपयोग करें। कोल्ड चैन व्यवस्था को पुनः चेक करें। डाक या कुरियर भेजने के उपरांत ऊपर प्राप्तिकर्ता या प्रेषक आदि विवरण को ठीक से अंकित करें।